नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने रविवार को प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव अब नजदीक है और जिस गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, अब चुनाव आते ही वह धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए हैं इसीलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही हैं। भर्तियां सिपाही की भर्ती, लेकिन ये भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती कर रहे हैं। उन्हें पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी। ये भर्ती कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं है, वोट के लिए भर्ती का नाटक किया जा रहा है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। चुनाव अब नजदीक है और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा, मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है, भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन यह भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे हैं वो, कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती, भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छाव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था, और इसी ने 16 नौजवानों को, 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब दोषी कोविड वैक्सीन, खुद ने वैक्सीन लगवाई, पहले कई बार अपीलें की कि वैक्सीन लगवाएं, प्रधानमंत्री जी से मांग की, ऐसी एक नहीं, अब माता बहनों के पैसे देने की योजना में भी पुरुषों के नाम, उसमें भी भ्रष्टाचार। हर योजना की घोषणा केवल वोट के लिए है, योजना का लाभ देने के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री ये सोच के ही कर रहे हैं कि देना तो कुछ है ही नहीं, 1 महीना है बस, केवल 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो भी बचे, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो दिनों रात झूठी घोषणाएं किए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है। मुख्यमंत्री के और गठबंधन के दाव नहीं चलने वाले, लोग भयानक भ्रष्टाचार भूले नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार झारखंड को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इनके झूठे और खोखले वादे जो उन्होंने किए थे उनको लेके, भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, माताओं बहनों का अपमान, अवैध घुसपैठ, बदल रही डेमोग्राफी, इन सब मुद्दों को लेकर यात्रा के रूप में जनता के बीच में जाएगी।
हमारी यात्राओं को हम अंतिम रूप दे रहे हैं, परिवर्तन यात्राएं। 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रमुख नेता भी भाग लेंगे और वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन फिर भी इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश पैदा हो और सच्चाई और गहराई तक जाके हम बताएं, उसके लिए हमारी ये यात्राएं निकलेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल, लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार केवल विनाश की तरफ ले जा रही है, और उस विनाश से झारखंड को बचाने के लिए हमने कमर कसी है। धन्यवाद। यात्रा के कार्यक्रम अभी बन रहा है, ये पक्का 6 यात्राएं निकलेंगी, 6 अलग अलग अंचल से निकलेंगी। रूट फाइनल अभी हो रहा है, वो विस्तार से आपके सामने रखा जाएगा। टेंटेटिव डेट भी प्लान हुआ है, लगभग 19-20 तारीख से यात्राएं निकलेंगी। अलग अलग तारीख में भी यात्रा प्रारंभ हो सकती है, यात्राएं कुछ 6 निकलेंगी। अब वो आपको डिटेल आपको दे दिया जाएगा, वो रूट फाइनल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक है, हम उम्मीदवार तय करने के पहले अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं, और एक आधार टिकट वितरण का वह भी होता है। हमारे प्रमुख नेतागण अलग अलग विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, उसकी एक पद्धति बनी है, और कार्यकर्ताओं की राय टिकट डिक्लेयर करने के पहले लेंगे। राहुल गांधी यूएस के टारगेट में डाल रहे हैं सर, तो यूनिवर्सिटी द्वारा बुलाया गया राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलना है मुझे, इतने ही है कि वो देश के बाहर जाकर देश के सम्मान से ना खेले। आपने देखा कि किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अव्यवस्थाओं का आलम ये था, न पीने का पानी न छांव का इंतजाम, बीमार हो तो न इलाज की व्यवस्था, और इसी में 16 नौजवानों की जिंदगियां चली गई। तड़प तड़प कर हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं ले पाए और दुनिया छोड़ गए। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गठबंधन के दावे नहीं चलने वाले, लोग भयानक भ्रष्टाचार भूले नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार झारखंड को तबाह और बर्बाद कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता परिवर्तन का मन
बना चुकी है। अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा है, क्या इस साल जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें क्या सरकार बदलेगी या फिर हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड पर कब्जा करके रहेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।